वेलकम बैक टू रोम कैनवास गाइज। आज मैं सिटीस्केप ड्राइंग का सेकंड पार्ट लेके हाजिर हो चुका हूँ। गाइज आप लोग अगर इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे, आप तो रिकैप में भी देख चुके हो, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट पार्ट का ड्राइंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज चलिए इस ड्राइंग का सेकंड पार्ट का कलर स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इस ड्राइंग में हम वेरी इजी एंड स्टेप बाय स्टेप से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो गाइज बिना स्किप किए आप इस वीडियो को जरूर देखो। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप कुछ ना कुछ तो सीख ही पाओगे। तो गाइज चलिए आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द ड्राइंग, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइज। तो गाइज चलिए आज का ड्राइंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर रंग कैनवास एक्टिव स्टार्ट आर्ट रूम को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे हम लोग बिगिनर्स फ्रेंडली, एकदम बिगिनर्स फ्रेंडली ड्राइंग हम लोग दिखा रहे हैं। उस चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज मैं अभी लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, नाउ कोबाल्ट ब्लू, नाउ अल्ट्रामरीन ब्लू। गाइज ये जो ट्राम का नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें मैंने ये तीन मेजर कलर ही यूज किया है। मैं फर्स्ट इस कलर को लगा रहा हूँ, उसका बाद इस कलर को हम लोग प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करेंगे। आप गाइज देख रहे हो मैं कैसे ये कलर लगा रहा हूँ। गाइज ये जो कलर मैंने यूज कर रहा हूँ ये कैमल आर्टिस्ट कलर है। आपके पास अगर ये कलर नहीं है तो दूसरा ब्रांड का कलर है तो आप यूज कर सकते हो, मगर उसमें ब्लेंडिंग टेक्निक डिफरेंट हो सकता है। नाउ मैं थोड़ा सा ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जो कॉटन बार्ड्स है, कॉटन बार्ड से धीरे धीरे इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज इसको आपको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा। अभी मैं पुशियन ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर डार्क टोन है उस जगह पे। और ये पुशियन ब्लू के साथ मैं इसके साथ थोड़ा ब्लैक कलर भी यूज़ करूँगा बाद में। नाउ मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट टोन देने के लिए। गाइज ये जो मैंने हाईलाइट टोन दिया ना, ये गैलरी ऑयल पेस्टल का है। नाउ मैं कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ ब्राउन एंड ऑरेंज, ये वर्मिलियन है। नाउ मैं ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ गाइज, ये स्टेडलर का है, जहां पर डार्क टोन है वो देने के लिए एंड डायमेंशन निकलने के लिए। ये आप जितना डिटेलिंग ऐड करोगे गाइज ड्राइंग पे उतना ही जान आएगा। अब मैं नीचे वाला जो हिस्सा है, रोड स्ट्रीट वाला हिस्सा, उसमें फर्स्ट मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ, नाउ मैं ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ, नाउ अगेन ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ गाइज। अब मैं येलो ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ। येलो ग्रे गाइज सैबरिन जैसा ही कलर है। आपके पास ये कलर नहीं है तो आप दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ कलर। नाउ मैं लाइट ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। ये जो पानी का जो रिफ्लेक्शन जो इसका है ना, ये प्रॉपर तरीके से आपको निकल के करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर तरीके से निकल के आए। ये ब्लेंडिंग करने के बाद इसका बाद जो मैंने सेकेंड टोन है ये मैं इधर लगा रहा हूँ। नाउ मैं वर्मिलियन ह्यू कलर यूज कर रहा हूँ। गाइस ब्लेंडिंग इस पेंटिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर डिफरेंट ब्रांड का ऑयल पेस्टल कलर यूज करोगे तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ शायद इस तरीके से ब्लेंडिंग नहीं होगा, देन आपको ब्लेंडिंग का टेक्निक चेंज करना पड़ेगा। अगेन मैं आईसी ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ एंड इसको हाथ से ब्लेंड कर रहा हूँ। गाइज ये पेस्टल कलर ना थोड़ा सा सॉफ्ट है तो हाथ से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। नाउ मैं ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। गाइज आपको ये मेरे वॉइस ओवर को प्रॉपर तरीके से सुनना पड़ेगा। नाउ मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ, जहाँ पर रिफ्लेक्शन का एकदम डार्क पोर्शन है उस पे। गाइज अगेन जो मैं बता रहा था, मेरा ये वॉइस ओवर को आपको प्रॉपर ध्यान से सुनना है। किसी किसी व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि ये वॉइस ओवर मैं जो बोल रहा हूँ ये बकवास है, ये सुनना नहीं है, मगर ट्रस्ट मी गाइज आप ये वॉइस ओवर सुनोगे तो ये आपको ड्राइंग में बहुत हेल्प करेगा। मैं नीचे भी सेम कलर ही यूज़ कर रहा हूँ गाइज, ट्राम पे जो कलर है वही कलर मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ, कोबाल्ट ब्लू, स्काई ब्लू एंड अल्ट्रामरीन ब्लू, एंड डार्क पोर्शन पे ऑफ कोर्स तो ब्लैक ही है, इधर लाइट ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। गाइज ये मैंने थोड़ा ड्राइंग को फर्स्ट किया है, आप अगर आपको समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अगर थोड़ा सा फर्स्ट लग रहा है ये ड्राइंग तो आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो, बट उस समय मेरा वॉइस ओवर को ऑफ कर लेना, नहीं तो बहुत ही घटिया लगेगा गाइज। सो गाइज अब इसको मैंने प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ। मैंने
कॉटन बार से ही ब्लेंड कर रहा हूँ। आप चाहो तो टिश्यू पेपर से भी पूरा जगह फटाफट ब्लेंड कर सकते हो। ये ऐसा रिफ्लेक्शन अब हम क्रिएट करना पड़ेगा कि ट्राम का जो पानी पे रिफ्लेक्शन होता है ना, स्ट्रीट पे पानी पूरा जमा हुआ है, इसी में ट्राम का रिफ्लेक्शन है। तो ये वाला जो सीन है, ये सीन ही आपको पेस्टल कलर से क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ मैं अगेन प्रशियन ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। नाउ आई सी ब्लू। गाइज अगर आपको ये वाला ब्लू नहीं है तो आप स्काई ब्लू कलर भी यूज कर सकते हो। इसका नजदीक जो भी कलर आपके पास है आप यूज कर सकते हो। नाउ मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगेन ब्लेंड कर रहा हूँ। नाउ ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ। गाइज देखो ये जो मेरा ड्रॉइंग है ना, जितना मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ ड्रॉइंग में उतना ही जान आ रहा है गाइज। अब जितना धीरे धीरे इस ड्रॉइंग को प्रॉपर तरीके से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आप बहुत कुछ सीख पाओगे। नाउ मैं व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। गाइज ये मैंने जो व्हाइट कलर यूज़ किया है, ये मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कैमल का, मगर मैं जो यूज़ किया एक्चुअली वो गैलरी ऑयल पेस्टल कलर है। आप गैलरी ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर सकते हो या कैमल व्हाइट का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास गैलरी ऑयल पेस्टल का पिक्चर नहीं था इसलिए मैंने कैमल दिखा दिया। नाउ मैं पीछे वाला हिस्सा रोड का दूसरा साइड में जो एकदम पीछे जो वॉश आउट सीन है, वैसा सीन क्रिएट करने के लिए कलर यूज़ कर रहा हूँ। नाउ मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी पे, एक पीछे छोटा वाला गाड़ी है। नाउ मैं ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, पीछे एक लैम्प पोस्ट है उस पर। आपको ये छोटा सा एकदम पतला सा हिस्सा है ना ड्रॉइंग का, इसको वेरी ध्यान से करना पड़ेगा। और आपको पेंसिल का फेस भी एक एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम फाइन करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको शार्पनेस से इसको एकदम टिप को एकदम फाइन करना पड़ेगा। नाउ मैं पीछे छोटा छोटा फिगर्स है उसको कलर कर रहा हूँ, व्हाइट से हाईलाइट दे रहा हूँ गाइस। अब प्रॉपर तरीके से इस ड्राइंग को फॉलो करो, आई थिंक आप बहुत कुछ सीख पाओगे। यूट्यूब में शायद इतना ऑयल पेस्टल का मुझे तो उतना सिटीस्केप ड्राइंग मिला नहीं। बहुत सारा लोग सिटीस्केप ड्राइंग नहीं करता है, बहुत सारा नेचर ड्राइंग मुझे मिला है। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ कि सिटीस्केप भी एक चीज़ है, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आपको आप वाइट पेस्टल से भी क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट या पेंटर्स ये करते हैं कि सिटीस्केप ड्राइंग वगैरह वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स और एक्रिलिक कलर पर भी करता है, कोई कोई पेस्टल में भी करता है, ये नहीं है कि पेस्टल में भी नहीं करता है। मैं आपको ये ड्राइंग ही, ये AI जनरेटेड आर्ट है, मैं ये ड्राइंग आपको पेस्टल से दिखा रहा हूँ कि पेस्टल से भी आप ये AI जनरेटेड आर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। गाइज अगर आपको इस ओरिजिनल इमेज का लिंक चाहिए तो आपको ये इस ओरिजिनल इमेज AI जनरेटेड जो आर्ट है आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा, और आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये वीडियो का लिंक, आई मीन इस ड्राइंग का लिंक मिल जाएगा। और गाइज अगर आपको ये ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट देखना है, अगर फर्स्ट पार्ट मिस कर चुके हो तो फर्स्ट पार्ट आप नीचे जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हो। नाउ मैं ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ऊपर जो ट्राम का ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए। गाइज अगर आपको वेरी इजी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग देखना है रंग कैनवास से, तो रंग कैनवास का और एक आर्ट चैनल है, रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, जिसपे हम लोग वेरी इजी ड्राइंग दिखाते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग, ड्राइंग किताब में जैसा इजी बिगिनर्स लेवल ड्राइंग रहता है वैसा, आप उस चैनल को जरूर विजिट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ मेरा ड्राइंग मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है गाइज। तो गाइज ये था मेरा आज का ड्राइंग, ये ड्राइंग का कलर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव करने का, तो गाइज चलिए बिना देर के मास्किंग टेप को रिमूव करते हैं। अब मैं वेरी ध्यान से मास्किंग टेप को रिमूव कर रहा हूँ। गाइज ये ड्राइंग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो गाइज, इस ड्राइंग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे को इससे ही जान आएगा, मेरे में ताकत इससे ही आएगा। आप अगर इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करोगे, आपको खराब लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे से जितना हो पाया मैंने इस AI आर्ट को ऑयल पेस्टल में कन्वर्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो गाइज ये था मेरा आज का ड्राइंग, कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। और अगर चाहो तो आप लोग मुझे ये ड्राइंग करके ड्रॉइंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको पता है ना रॉन्ग कैनवास के क्यू स्टार्स के बारे में, अब रॉन्ग कैनवास के क्यू स्टार्स आर्ट रूम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।